साउथ अफ्रीका के जंगल में हो रही है खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 की शूटिंग। क्या वाइल्ड एनिमल्स के साथ होगा कंटेस्टेंट्स का मुकाबला? टीवी रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 की शूटिंग की शुरुआत हो चुकी है। केप टाउन में शो के होस्ट रोहित शेट्टी पहुंच गए हैं और उन्होंने प्रोमो शूट के बाद एपिसोड के शूटिंग की तैयारी भी शुरू कर दी है। केप टाउन से जो ताजा अपडेट सामने आ रही है वो ये है कि साउथ अफ्रीका के जंगलों में इन दिनों शूटिंग चल रही है। सोशल मीडिया पर कंटेस्टेंट्स खुद से जुड़ी जानकारी और वहां के वीडियोस शेयर कर रहे हैं। वीडियोस और तस्वीरों को देखकर यह अंदाजा लगाना कठिन नहीं है कि साउथ अफ्रीका के जंगल में इनसे कड़ी मेहनत कराई जा रही है। शो को और दिलचस्प बनाने के लिए मेकर्स ने पहले ही यह दावा किया था कि इस सीजन की शूटिंग में हिस्सा ले रहे कंटेस्टेंट्स को और ज्यादा बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और वो साफ तौर पर वहां से जारी हो रहे वीडियोस में नजर भी आ रहा है। साउथ अफ्रीका के जंगल इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। जंगली जानवर, हाथी, जेब्रा और तमाम तरह के जानवर भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में ये अंदाजा लगाना कठिन नहीं है कि शो की शूटिंग के दौरान वाइल्ड एनिमल्स का इस्तेमाल भी किया जाएगा। हालांकि सुरक्षा मानदंडों को नजर हमेशा ही खतरों के खिलाड़ी शो में रखा जाता है। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि कंटेस्टेंट्स को मिल रही कड़ी चुनौतियों का ये सामना कैसे करते हैं। टीवी और एंटरटेनमेंट से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के जरिए हम तक जरूर पहुंचाएं।